हेलो क्रिएटर्स, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे काफ़ी टाइम से कीपर पैड पर रिव्यू के लिए बोल रहे थे। तो दोस्तों, ये कीपर पैड खास तौर से मैंने उनके लिए बनवाया है। ये सैंपल फ्रेंड्स एक ही बनवाया है फिलहाल, ये अगर किसी को चाहिए तो ये तैयार हो रहे हैं, मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही, पहले तो बताना चाहूँगा ये बहुत ही लाइट वेट है। इसमें अगर आप पहनोगे आपको पता ही लगेगा कि आपने कुछ पहन रखा है। और फ्रेंड्स, वास्तव में कीपर पैड ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल भी महसूस ना हो कि आपने कुछ पहन रखा है। और लाइट वेट काफ़ी है दोस्तों। ये डिज़ाइनिंग देख सकते हैं आप, डिज़ाइन कितना प्यारा है, प्योर वाइट बना हुआ है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे हमने डिज़ाइनिंग दे रखी है, ये पूरे पे डिज़ाइन दे रखा है। लेवलॉन मटेरियल में बना हुआ है दोस्तों। सबसे कॉस्टली जो मटेरियल आता है वो क्रिकेट आइटम में, वो लेवलॉन ही होता है। चाहे वो ग्लव्स हो चाहे वो पैड हो, लेवलॉन से कॉस्टली कुछ नहीं आता। कुछ बंदे क्या होते हैं, फॉर्म लगा देते हैं अपने ग्लव्सों के, वो दोस्तों जोड़ा हैवी हो जाता है और बहुत जल्दी वो ख़राब भी हो जाता है, फट जाता है। ये पूरा लेवलॉन में बना हुआ है। दोस्तों बहुत ही लाइट वेट है और इसकी आप मोटाई देख सकते हैं, थिकनेस देख सकते हैं दोस्तों कितनी हैवी है। नेट पीछे पूरा नेट का काम करा गया है फ्रेंड्स इस जगह। इसके नीचे भी नेट लग रही है। ये जो हिस्सा, ये काफी मोटा रखा गया है दोस्तों, क्योंकि ये कुछ बैटिंग पैड या कीपर पैड में ऐसा होता है ये नीचे बहुत जल्दी घिसने लगते हैं, इसलिए फ्रेंड्स ये नीचे से हमने काफ़ी मोटा रखा है जिससे कि जल्दी घिसेगा नहीं। और ये जो बीच में हमने डिज़ाइन डाला है फ्रेंड्स, ये गोल एक शीट आती है, काफ़ी कॉस्टली शीट आती है, जो गोल शीट होती है वो हमने इसमें डाल रखी है। यहाँ पे अच्छी शीट का यूज़ करा गया है दोस्तों, काफ़ी हैवी है। सिलाई दिखा देता हूँ मैं आपको, सिलाई कितनी बारीकी से और कितनी सफाई के साथ सिलाई हो रही है दोस्तों। काफ़ी लाइट वेट पेयर है। अभी इसकी बात करते हैं वेलग्रो की, तो दोस्तों इस पर वाइट रंग की हमने वेलग्रो लगाई है, वाइट ही रंग की जा रही थी है, और सामने का फ्रंट वाइट रखा है, क्योंकि बहुत से क्रिकेटर क्या होते हैं वो ना वाइट ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि अकेडमी में अधिकतर वाइट ही चीज़ें मांगी जाती हैं, कलरफुल ज़्यादा चलती नहीं है। ये देख सकते हैं इसकी वेलग्रो, वाइट रंग की वेलग्रो दोस्तों, काफ़ी अच्छी आती है ये। यहाँ पे भी आप सिलाई देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से काफी अच्छी तरीके से करी गई है, और ये कहीं से भी निकलने वाली नहीं है दोस्तों, कहीं से भी नहीं निकलेगी। सामने का डिजाइन देखिए, SS SG कोकोबोरा में ये डिजाइन आते हैं दोस्तों। प्यूमा भी अब यही डिजाइन दे रहा है। ऊपर भी हैवी शीट का इस्तेमाल करा गया है। डिजाइन तो आप देख ही सकते हैं, डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। काफ़ी लाइट वेट है, 140 से बॉल आए या 150 की स्पीड से बॉल आए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, इसे मैंने इस तरीके से पकड़ रखा है, ये कहीं से भी डिसबैलेंस नहीं है। अगर दोस्तों इसमें मेटल खराब क्वालिटी लगा होता तो ये इस तरीके से हो जाता या इस तरीके से हो जाता। अब ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं हो रहा है, बहुत ही सफाई के साथ बनाया गया है दोस्तों। काफ़ी मजबूत पैड है, सिलाई काफ़ी अच्छी लग रही है। अंदर निटलॉन, काफ़ी मोटी शीट लगा रखी है दोस्तों निटलॉन की। और इसके नीचे की साइड भी फ्रेंड्स हमने निटलॉन लगा रखी है, जिससे कि बॉल का इस पर कोई असर ना हो। इस पर भी, इसके अंदर भी है दोस्तों, तीनों साइड, ये तीन जो साइड हैं तीनों के अंदर निटलॉन लगा रखी है। बॉल लगने का मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, 1% भी चांस नहीं है। ऊपर भी हमने हैवी शीट का यूज कर रखा है,
और दोस्तों कुछ बहुत सी कंपनी क्या होती है यहाँ पे कपड़ा लगाती है, बट हम यहाँ पे कपड़ा ही लगाते, हम यहाँ पे प्यू यूज करते हैं। ये प्यू का यूज करा गया है दोस्तों, आप एसजी के पैड में देखोगे, एसजी टेस्ट के पैड में, तो यहाँ पे भी कपड़ा है, या एसजी क्लब लाइट देखोगे या एसजी सुपर लाइट देखोगे ओरिजिनल पैड में पेंट, यहाँ पे कपड़ा लगा होता है, यहाँ पे भी कपड़ा होता है, बट हमने यहाँ पे प्यू का यूज करा है। अगर आप यही पैड एसजी में लोगे ना फ्रेंड्स, तो आपको ये 2400-2500 से कम में नहीं मिलने वाला, बट यहाँ पे हम आपको ये कीपर पैड 1050 रुपए का दे रहे हैं फ्रेंड्स। 1050 में बहुत ही सस्ता पैड है दोस्तों, ये बहुत लाइट वेट है, किसी भी कंपनी में आपको इतना सस्ता पैड नहीं मिल पाएगा फ्रेंड्स। जो भी इसे ऑर्डर करना चाहता है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8449300698 पर व्हाट्सएप करके ऑर्डर बुक करा सकता है। और फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर बताइएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल आरके स्पोर्ट्स आशीष को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वो फ्रेंड्स आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।